हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस के एक और बेहतर क्लास में। हम लोग जो है ग्रामर सेक्शन, इंग्लिश के ग्रामर सेक्शन को जो है लगातार पढ़ रहे हैं कि ज़्यादा जल्दी जो है ख़त्म हो जाए। तो आज ग्रामर का जो है दूसरा क्लास, पहला क्लास हमने पहले ही आपको पढ़ा दिया है साइनोनिम्स और एंटोनिम से। उसका पीडीएफ भी जो है व्हाट्सएप ग्रुप से जो लोग जुड़े हुए हैं पेड व्हाट्सएप ग्रुप से, उन सभी को जो है सेंड कर दिया गया है। साइनोनिम्स के 100 वर्ड्स, एंटोनिम्स के 100 वर्ड्स, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं, डिस्प्ले पे नंबर है, आप लोग ज्वाइन कीजिए, क्योंकि अगस्त के बाद ये पीडीएफ का रेट भी जो है दोगुना होने वाला है। ठीक है, जो आपको अभी 51 रुपये में प्रोवाइड किया जा रहा है, वो हो सकता है कि उस समय 100 रुपीज़ या 150 के आसपास में पहुंच जाए। चलिए आज के क्लास को हम लोग शुरू करेंगे, और ये क्लास जो है आपको इंग्लिश में 2 से 3 नंबर दिलवाएगा। कैसे दिलवाएगा, वही तो सीखे आए हैं क्लास में, है कि नहीं। चले स्पेलिंग टेस्ट, स्पेलिंग टेस्ट का अगर हम हिंदी में बताएं तो शब्दों की जांच, अगर अपन भाषा में बताएं तो शब्द सही गलत कैसे जांचल जाता है, ओकड़ा कहल जाता है स्पेलिंग टेस्ट। समझ गए, तो इसी को जो है आपसे क्वेश्चंस बना के पूछा जाता है। अब कैसे पूछा जाता है, आइए समझते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर दिया रहेगा और उसके बाद कहेगा कि डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब दिशा, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि जो दिया गया है शब्द उसमें से सही शब्द करेक्टली, सही शब्दों का जो है चुनाव कीजिए। 4 गो आपके पास ऑप्शन दिए होंगे सर, और उनमें से 1 गो के सही चुनना है। 3 गो तो गलती होता है, सब कोई जानता है। तो इसका मतलब जैसे ही आपका क्वेश्चन नंबर, मान के चलिए क्वेश्चन नंबर 1 दिले है और लिख लिया है कि डायरेक्शन चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि दिए गए शब्दों में से सही शब्द का जो है चुनाव कीजिए, तो उहे करेला है। हमने 5 प्रश्न लिए हैं, और ये आसान आसान प्रश्न लिए हैं आपको समझाने के लिए, और ऐसे ही हमने 100 प्रश्न को तैयार किया है, और वो आपको हम भेजेंगे, ग्रुपे में भेजेंगे। जो जुड़े हुए हैं उन्हीं को तो प्रॉफिट होगा, बाकी सबके हम ठीका थोड़े ले ले हैं, है कि नहीं। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन कि ए नंबर में CLAUD लिखल है, बी नंबर में KLAUD लिखल है, CLOUD सी नंबर में है, और डी में है KLAUD। अब आपको देखना है कि चारों में से सही कौन सा मीनिंग है। तो आपको जो है कुछ वर्ड मीनिंग भी बचपन में पढ़ाया गया होगा, जैसे कि बादल के, तो बादल के इंग्लिश क्या होता है, क्लाउड्स होता है। तो अब उहे आपको बताना है कि का बादल के कौन इनमें से सही है। तो एकरा में से CLAUD है, का ही सही है, हमारा तो नहीं लग रहा है। आ के वाला तो ऐसे ही गलत है कि नहीं, के जो है ऐसे ही गलत है। तो ई जब सही नहीं है सर, ई सही नहीं है, तो एकरा में ई सही है, CLOUD क्लाउड, या कभी कभी जो है आपको एस भी देखने को मिलेगा, क्लाउड्स यानी बादल, जेकरा घाटा हमनी के कहते हैं। तो ई जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही है, और आपको रंगने के लिए कहेगा, तो ऑप्शन नंबर सी को जो है रंग दीजिएगा। समझ में आया, उसी प्रकार एक और क्वेश्चन हम लेके चलते हैं, जैसे कि ऑप्शन नंबर ए में दिले है BALLON, ऑप्शन नंबर बी में है BOLLON, सी में है BALLOON, और डी में है BALUM। अब 5 चारों में से जो है सही कौन वाला है, ये आपको चुनना है। आसान प्रश्न होता है, लेकिन अगर आपको मीनिंग कुछ याद नहीं होंगे जो बचपन में पढ़ाए गए होंगे, समझिए कि आप बना ही नहीं सकते हैं इस प्रश्न को।
देखिए तो इनमें से एगो हमारा सही नजर आ रहा है, बाकी सब गलत है। ई बी ओ डबल एल ओ एन कहियो हम मीनिंग याद नहीं किए हैं, आ चाहे बी ए एल डबल एल ओ डबल एन ऐसा कहियो मीनिंग हम सुने नहीं हैं, और बी ए एल यू एन लिखल तो है बैलून लेकिन ऐसा मीनिंग नहीं होता है। बैलून के मीनिंग होता है बी ए डबल एल डबल ओ आ एन, बैलून मतलब कि गुब्बारा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है एकर सही होगा। का आप सीख रहे हैं कि सही शब्दों का चुनाव कैसे करना है? आपको चार गो शब्द दिया रहेगा इंग्लिश में, ओकरा वर्ड कहल जाता है, ओकरा में से कोनो एगो सही है बाकी तीन गो गलत है, तो वही एगो के आपको चुनना है। काहे कि क्वेश्चनवा में कह रहा है हेडिंग में चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का जो है चुनाव कीजिए सर। तो अब देखिए तीसरा नंबर ऑप्शनवा है ग्रामर जी आर ए डबल एम ई आर, एहू लिखल है ग्रेमर, तो ऐसे ही गलती हो गया। अरे देखिए ये जो लिखल है जी आर ए डबल एम ए आर ग्रामर आई ग्रेमर, तो है तो हमने के देख के मार दिए कि है दोनों जो है गलती है। लेकिन अब है या है में से जो है आप कौन सा सही बताएंगे तनिक कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे इसका आंसर, समझ गए? देखते हैं इंग्लिश ग्रामर उतना दिन से पढ़ा रहे हैं आप लोग, ग्रामर का मीनिंग सीखे हैं कि नहीं। ये ए नंबर ऑप्शन सही है कि सी नंबर सही है कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। जो नहीं बताएगा समझिए कि पढ़े लिखे ओकरा ईबे नहीं करता है। चलिए अब चौथा नंबर प्रश्न ए नंबर रिसीव रिसीव, आ एहू रिसीवे लिखल है, इहो रिसीवे लिखल है, आ इहो रिसीवे लिखल है। रिसीव मतलब कॉल रिसीव करते हैं ना, यानी कि प्राप्त हुआ रिसीव किए। कौन सही है रिसीव? तो रिसीव के कई ऐसा मीनिंग देखे हैं नहीं है, देखे होंगे ऐसा मीनिंग कई आप देखे हैं, दूगो खत्म हो गया बाकी बचा दूगो, तो ऐसा ऐसा में से कौन सही होगा बी या सी में से आपको बताना है सर। तो अगर आप नहीं जानते हैं मीनिंग तो आप नहीं बता सकते हैं, ठीक है? कॉल रिसीव कीजिएगा तो देखिएगा मीनिंगवा लिखल रहता है। आ ये सब क्वेश्चन बनाने के लिए जानते हैं कहाँ से, कुछ कुछ वर्ड जो होते हैं जैसे कि हम लोग कहीं घूमने गए तो जैसे कि पैकेट में से कुरकुरे खा रहे हैं तो उस पर भी कुछ जो है मीनिंग लिखा हुआ रहता है, तो वहाँ देखने से भी याद होता है। दीवार पे कहीं कहीं पेंटिंग बनावल रहता है तो उसमें भी मीनिंग लिखा रहता है, प्रचार के बैनर बना रहता है उसमें भी मीनिंग लिखा रहता है, और वहाँ से देख देख कर भी जैसे कि रोड पर हम लोग चलते हैं वो सब देखते रहते हैं तो जल्दी दिमाग में वो सब घुसता है, और जब ये सब हम लोग बनावे जाएंगे तो जो है जल्दी यादों आता है। जैसे रिसीव के मीनिंगवा जो है मोबाइलवा से ज़्यादा आपको याद होगा, काहे कि ये बार बार आप लोग मोबाइलवा में कॉल रिसीव करते हैं कि नहीं कॉल रिसीव, तो वो रिसीव के मीनिंग आपको याद हो गया होगा आर ई सी ई आई वी ई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है राइट है। अब हम सवेरे ही पढ़ाए हैं साइनोनिम्स और एंटोनिम्स, एकरा में से बताइए कि चारों ऑप्शन में से साइनोनिम्स का जो है मीनिंग कौन सा सही है, साइनोनिम्स का मीनिंग कौन सा सही है अब बताइएगा। एकर आपको दो को क्वेश्चन दिए हैं हम, ये तीसरा के जो है ऑप्शन आपको बताना है, कमेंट में लिखिएगा तीसरा के ए होगा कि बी होगा कि सी होगा। उसके बाद पांचवा नंबर के जो है बताना है कि साइनोनिम्स के जो है मीनिंग कौन होगा। हम जान जाएंगे कि आप लोग पढ़निहार हैं, नहीं तो हम जानेंगे कि कोनो फायदा नहीं है। ट्वेल्थ क्लास में जो है हम लोग बेकार में टॉपर बने के सपना देख रहे हैं, कौनों जब ई सब नहीं आएगा बनावे बेकार है पढ़ना इंग्लिश, ठीक है? तो इंग्लिश समाप्ति की ओर है, दो चार वो और जो है टॉपिक्स बचे हुए हैं, कल हो सकता है समाप्त हो जाए। वीडियो देखे हैं समझ में आया है वीडियो को शेयर कीजिए, बस इतना ही कीजिए तो आप मेरे ऊपर हम समझेंगे कि आप मेरे ऊपर मेहरबान हैं। तो गाइस वीडियो देखें उसके लिए धन्यवाद।